अक्सर आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि जो ऐप्स हम अपने स्मार्टफोन पर इस्तेमाल करते हैं उनको इंस्टॉल और इस्तेमाल करने के लिए कोई चार्ज या फीस तो हम देते नहीं हैं, तो फिर कैसे ये मोबाइल ऐप्स कंपनियां इतनी मोटी कमाई भारत में कर रही हैं? इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अगर इसी तरह के सवाल आपके मन में है और आपको इनके जवाब जानने हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी बातों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर करे शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूँ शिवम। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर ज्यादातर एप्स फ्री में अवेलेबल हैं, फिर भी जो इनकी कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। दरअसल मोबाइल एप्स के पैसा कमाने के कई तरीके हैं। इनमें एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, रेफरल मार्केटिंग, इन ऐप परचेजेस, सब्सक्रिप्शन और ई कॉमर्स शामिल है। इसके अलावा कई सारी एप्स ऐसी होती हैं जिनका पैसा कमाने का तरीका काफी यूनिक है। जैसे कि टिकटॉक की मैं अगर बात करूं तो टिकटॉक कहता है, या फिर यूं कहूं कि कहता था, कि उसका जो कमाई का मेजॉरिटी पोर्शन है वो सर्विस फीस से आता है। हालांकि उसने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि सर्विस फीस क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 तक गूगल प्ले स्टोर पर 2.56 मिलियन एक्टिव एप्स मौजूद हैं, वहीं जो एप्पल ऐप स्टोर है उस पर 1.85 मिलियन एप्स मौजूद हैं। और इसी साल के अंत तक इन सभी ऐप कंपनीज की जो कमाई है उसका 190 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। और कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एप्स की लिस्ट में गेमिंग एप्स सबसे ज्यादा है। अब इन एप्स के पैसा कमाने के तरीके यानी कि रेवेन्यू मॉडल पर एक नजर डाल लेते हैं, उसको समझते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी ऐप से रेवेन्यू जनरेट करने का एक सबसे पॉपुलर तरीका है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि हम जब भी कोई ऐप ओपन करते हैं तो उसमें कभी कभी 10 से 20 सेकंड का एक नॉन स्केपेबल वीडियो आ जाता है जो हमें पूरा देखना ही देखना पड़ता है, या फिर कोई बैनर आ जाता है, या फिर कोई लिंक होती है, और उस पर जितने यूजर्स टैप करते हैं उसके हिसाब से ऐप को कमाई होती है। यही नहीं, इसी तरह के कुछ नेटिव एड्स भी होते हैं जो कि ऐप में बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी शॉर्ट वीडियो की बात करूं तो उसमें यूजर को वीडियो बनाने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। दूसरा तरीका है रेफरल मार्केटिंग का। कई सारी ऐप्स पैसा कमाने के लिए रेफरल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। इसमें किसी कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है। कभी कभी तो ऐप अपना खुद का प्रमोशन भी करती है और यूजर को एक रेफरल लिंक दी जाती है जिसको वो दूसरे कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करता है और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड ऐप के कराने की कोशिश की जाती है। इसका अल्टीमेट गोल होता है कि ऐप पर मैक्सिमम ट्रैफिक आ सके। तीसरा तरीका होता है इन ऐप परचेज और ई कॉमर्स का। अब कई सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि चलानी तो फ्री होती हैं, लेकिन उसके काफी हद तक जो फीचर्स होते हैं वो पेड होते हैं, उनके लिए चार्ज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पबजी की, तो पबजी गेम खेलना तो फ्री है लेकिन उसके अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको खरीदना पड़ता है, और इसी तरीके से ऐप जो है अपनी कमाई करती है। या फिर इसी के अंदर आता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का एग्जाम्पल आप पेटीएम से समझ सकते हैं। पेटीएम प्राइमरी तौर पर एक पेमेंट ऐप है, लेकिन अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए भी पेटीएम ने अपनी ऐप में एक विंडो दे दी है। तो अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आपको किसी दूसरी ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेटीएम पर रहते हुए ही आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। चौथा तरीका है ईमेल मार्केटिंग का। इसमें ऐप्स यूजर का डेटा जैसे कि उसकी ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दूसरी ऐप्स को बेच देते हैं और यूजर को दूसरी ऐप की तरफ से प्रमोशनल और मार्केटिंग वाले ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। पांचवा तरीका है सब्सक्रिप्शन का, और ये जो तरीका है ज्यादातर पेड ऐप्स अपनाती हैं। यूजर से एक फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन अमाउंट ले लिया जाता है जिसके बदले उसको सर्विस दी जाती हैं, और ज्यादातर ओटीटी ऐप्स इस तरीके को अपनाती हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और भी तरीके की ऐप्स हैं जिन पर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कई सारी न्यूज ऐप्स भी ऐसी होती हैं जो कि सब्सक्रिप्शन वाले तरीके को अपनाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया और समझाने की कोशिश की कि ऐप का रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, ऐप्स कैसे कमाई करती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिएगा टेक तक।